वेल इस वक्त मेरे साथ में बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट मौजूद हैं जो आम से बहुत खास बन चुके हैं और टिकट टू फिनाले को छू कर यहाँ तक पहुंच चुके हैं। लव, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच। मतलब उम्मीद थी, क्योंकि इतने हफ्तों से आपने उम्मीद लगाई हुई थी कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन हर बार आपको लोगों ने बचा लिया और इस बार टिकट टू, अगर मैं फिनाले को कहूँ तो, टच करते करते आप बाहर आ गए। टिकट टू फिनाले को टच करते करते ही बाहर आ गया। सही बात है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली मुझे कि मैं इतना आगे तक आऊँगा, और सोचा नहीं था क्योंकि थर्ड वीक में मैं ऑलमोस्ट निकल गया था। बट धीरे 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 फैंस बने और पसंद किया लोगों ने मुझे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो अल्लाह किस तरह का रहा जर्नी है आपका घर में? शुरुआत में वही थोड़ी सी जर्नी मेरी वीक रही और मैं गेम को समझ रहा था एक्चुअली, और चाहता तो मैं थोड़ा सा और एक्टिव हो सकता था शुरुआत में। बट देन हाँ, डेरा दुरुस्त था तो बाद में बहुत अच्छा खेल गया। जैसे कि आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास में ये था कि आप पड़ोसी घर में से जाकर आए, सभी ही लोगों को देख लिया, आप लोगों ने समझ लिया, उसके बाद आप लोगों को मौका मिला कि आप उनके साथ जाएं खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपॉर्चुनिटी थी, कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि आप लोगों ने अच्छे से यूज नहीं किया। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं हम लोग, क्योंकि ये 4 लोगों का एफर्ट था और उसमें से अगर एक भी डगमगा गया तो गया। सो उसमें क्या हुआ कि चारों डगमगा गए, तो ऑफकोर्स जाना ही था वो। बट देन हाँ, वो चीज़ आज तक रिग्रेट होती है, करता हूँ मैं रिग्रेट। बट आई थिंक 14th वीक सेमीफिनाले तक आने के बाद गम नहीं होता है मुझे, उस चीज़ का गम नहीं है। खराब हुई वो चीज़, बट हाँ मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया एज अ पड़ोसी। अच्छा लव, आप घर में रहे, तीन की तिगड़ी हमें देखने को मिली, दोस्ती देखने को मिली हीना और प्रियांक के साथ में। लोग कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में आपको कहीं ना कहीं उस तिगड़ी ने ही बहुत बड़ा, उसका ही हाथ है। क्या आपको क्या लगता है, सच में वाकई ऐसा था या लव ने अपनी तरफ से गेम खेला था? अगर तिगड़ी का हाथ होता तो शायद तिगड़ी में से मैं ही पहले निकलता अगर मैं उनके सहारे आता तो, बट ऐसा नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके सहारे आया हूँ या वो मेरे सहारे आए हैं। हम लोग एकजुट होकर चले ज़रूर हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं हमने सब एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हैं अपने, हर चीज़ में हमने इनपुट्स दिए हैं अलग अलग। और यही शायद इंडिया को पसंद आ गया मेरे बारे में कि मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चला उस ग्रुप में, तो शायद काम कर गया मेरे लिए। मतलब ये बात आपने बहुत सही कहा कि शायद इंडिया वालों को पसंद आया आपका काम, इस यही वजह है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, टॉप 6 तक आप जरूर पहुँचे हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम घर वालों की अगर हम बात करें, जितना हम उन्हें देख पाए हैं, समझ पाए हैं, उनका ये हमेशा से मानना रहा है कि लव ना तो टास्क में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, ना ही गेम वो खेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इससे कितना एग्री करते हैं? आई थिंक शुरुआत में लोगों ने ये बोला था कि टास्क आप खराब कर रहे हैं और गेम में आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है। बट देन आई थिंक पिछले 6 हफ्तों से, अप्रॉक्सीमेटली 6 हफ्तों से, हर कोई मुझे आके ये कह रहा है कि यार तुझे हुआ क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, तू टास्क इतने अच्छे से कर रहा है और तू इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, तू इतना एक्टिव हो गया है। एंड देन अब तो पूरी सोच मैंने बदल दी थैंकफुली। सब मुझे यही बोलते हैं कि तू कब जाएगा इस घर से, तू हमारे 12 क्यों बचा रहा है। सो आई थिंक ये अच्छी फीलिंग है कि सीज़न 11 में पड़ोसी आए थे बजाने 12, तो मैं तो बजा गया 12। लव, लेकिन कहीं ना कहीं एक इगोइस्टिक का जो टैग है वो भी आपको दे दिया गया, और भी काफी टैग हैं, बैल बुद्धि भी आपको कहा गया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सारी नाम जो है आपको वो घर वालों से जो मिली? देखिए क्या होता है, जब तक इंसान प्यार से चलता है ना, इनोसेंट बन के चलता है और जैसा वो है थोड़ा शरीफ साइड अपनी दिखाता है, तो उसको यही कहा जाता है अरे बेवकूफ़ है, अरे शरीफ है। तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी अपनी दूसरी साइड दिखाई लोगों को, अरे तुम तो गेम खेल रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। सो आई थिंक लोग तो बोलेंगे कि आप ये हैं आप वो हैं, ये आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को कैसे ले, या तो आप उस चीज़ को लेके बैठ जाएं और रोए, या फिर उस चीज़ को सुने और मोटिवेट होंगे कि छोड़ यार क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कहते हैं कि बिग बॉस का घर जो है वो काफी बदल देता है इंसान को, मतलब रिश्ते हो चाहे वो इंसान हो, बहुत ही ज्यादा बदल देता है। और हमने भी बदलते समय के साथ में रिश्तों को बदलते हुए देखा। आपकी, हिना की और प्रियांक की जो दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं एंड में आते आते हमें दम तोड़ती हुई नजर आई। क्या वजह क्या रही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जानना चाहूंगी। वजह एक्चुअली कुछ नहीं है, वजह सिर्फ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो हो जाती है दोस्तों के बीच में,
और वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से क्लियर आउट होनी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से जो भी बात हुई है वो क्लियर कर लें, अदरवाइज़ वो बातें बढ़ती रहती हैं, स्ट्रेच होती रहती हैं, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक यही एक गलत चीज़ रह गई दोस्ती में कि हमने वो टाइम पे क्लियर आउट नहीं किया। तो हिना से अभी भी सब ठीक है, निकलते निकलते मेरी दोस्ती उनसे फिर से हो गई, पर प्रियांक से भी मेरी दोस्ती हो गई है फिर से, तो बाकी सब ठीक है। लेकिन हाँ, एक टाइम पे अगर हम वो चीज़ें कर लें तो कोई बात ही कुछ और हो जाती है। अच्छा, विकास की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर बार जब भी नॉमिनेशन होता था वो आपको जरूर नॉमिनेट करते थे, कहीं ना कहीं जो आपको अलग अलग टैग्स दिए गए हैं उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ हमने देखा है, जी तो क्या कहना चाहेंगे विकास किस तरह का गेम खेल रहा है? देखिए, विकास का गेम शुरुआत में तो ये था कि मेरे लिए कि इसको थोड़ा सा मैं डिग्रेड करूँ या ऐसा कुछ करूँ, बट ये बात मैंने उनसे कही भी है कि आप दूसरे को कम मत समझिए, आप इंटेलिजेंस की कम मत समझिए, शायद वो जिस दिन खेलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही हुआ और 4-5 हफ्तों से वो हर टास्क में ऑलमोस्ट नहीं कर पा रहे वो चीज़ें जो वो पहले कर पाते थे, बिकॉज़ उन पे मेजोरिटी भी नहीं बची और मैंने भी थोड़ा सा दिमाग स्विच कर दिया है अपना। तो आई थिंक अब वो समझ गए हैं और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी करी है मेरी कि लव तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, मैं बहुत इंप्रेस हो रहा हूँ तुमसे, ये वो। सो आई थिंक विकास एज अ गेम प्लेयर बहुत अच्छे हैं वैसे तो। अच्छा, लव अगर हम बात करें गेम खेलने की, अगर स्ट्रेटेजी बनाने की, तो आपको क्या लगता है किस तरह से गेम खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड तक टिके रहने के लिए? क्योंकि हमने आपको देखा, ना आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, ना आपने पॉलिटिक्स किया, ना ही कोई लव एंगल आपने अपनाया, जिस तरह से हमने बाकी लोगों को भी देखा है कि कई बार जी वो एंगल अपना लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हमें इन सब से दूर नजर आए। क्या रीज़न था कि आपने कुछ नहीं किया? जब एंटर किए थे तो शायद उम्मीद लोगों को थी कि इस तरह से कुछ देखिए, करेंगे आप। मैं ये मानता हूँ कि आप अगर एक रियलिटी शो में आए तो आप असली रहो, चाहे आप बोरिंग हो चाहे आप बहुत एंटरटेनिंग हो, आप असली तो रहो। आप ये सोच के चलेंगे कि आज मैं इसके साथ लव स्टोरी बना लेता हूँ या फिर मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ या इससे झगड़ा कर लेता हूँ, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। सो आई थिंक जितना मैं असली रहा वो ही शायद लोगों को पसंद आया, एक मेरी सिंप्लिसिटी और इनोसेंस जो है वो पसंद आई लोगों को, तो वही 14 वीक तक मुझे लाई है वही चीज़। लव, मैं बाकी कंटेस्टेंट्स का नाम ले रही हूँ, आप एक वर्ड में उन्हें अगर डिस्क्राइब करना चाहें उनकी इमेज को, तो किन वर्ड में करेंगे? विकास, मास्टरमाइंड, शिल्पा, शिल्पा गुड प्लेयर, हिना, स्मार्ट, पुनीश, भेड़िया, आकाश। गधा। अच्छा, क्या लगता है कि बिग बॉस के अगर हम खिताब की अगर हम बात करें, तो आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए और कौन है जो जीतने के लायक है? मेरे हिसाब से मतलब जिसको मैं चाहूँगा वो जीते वो तो हिना ही है क्योंकि दोस्त है मेरी, बट शिल्पा जी जीत सकती है, मुझे लगता है चांसेस उनके ज़्यादा है। लास्टली, लव क्या कहना चाहेंगे अपने उन फैंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, इतना सारा प्यार दिया उन्होंने आपको, हर बार नॉमिनेशन से एटलीस्ट 3 बार तो बताया जब आपने जी जी उम्मीद जी नहीं की थी। काफ़ी बार बचाया, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे और नॉमिनेशन से बचाया, वरना मैं पता नहीं कौन से हफ्ते में बाहर हो जाता। और आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं अपना गेम अच्छे से खेल पाया। सो थैंक यू सो मच जो आपने सपोर्ट दिया, आई लव यू ऑल। लव, घर से बाहर आने के बाद में लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाती है, एक मकसद के साथ लोग घर में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदली है? लव पहले जैसे थे उनके अंदर कितना बदलाव आया है, और अब लव के आगे की जर्नी की अगर हम बात करें तो वो किस तरह की होने वाली है? एक्टिंग करने वाले हैं या क्या करने वाले, किस तरह से देखने मिलेगा दर्शकों को आपको? जो भी मेरे मतलब सामने आएगी अपॉर्चुनिटी और मुझे लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए उस समय, तो मैं वो कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चूज़ ही बनूँगा या मुझे ये नहीं करना है वो नहीं करना, जो भी अच्छा लगे वो मैं कर लूँगा। सो यही है। बदलाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बदलाव है? क्योंकि सलमान जब भी आते थे हमेशा लोगों की क्लास लगाते थे, और कहीं ना कहीं वो चेंजेस भी हमें लोगों में देखने को मिलता था। पेशेंस बहुत आया मेरे में और थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड था मेरे में, तो वो चेंज हो गया और थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, और यही चेंजेस है। मेन तो पेशेंस है जो कि मेरे में काफ़ी कम था, अब बहुत आ गया है। चलिए लव, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के थैंक यू लिए, सो थैंक यू मच। सो मच। कैमरामैन संजय के साथ पूजा तिवारी, E24 मुंबई।